तो भाई लोगों उनकी बहनों स्वागत है आपका। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। लोकी का नया एपिसोड आ चुका है। आपने अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे स्पॉइलर्स होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोकी के थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड शुरू होता है हंटर C20 और लेडी लोकी एज नोन एज सेल्वी। जी हाँ, अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि लेडी लोकी का नाम सेल्वी है। जहाँ सेल्वी हंटर C20 के माइंड में घुस के उससे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर टाइम कीपर्स कितने हैं और उन्हें कितने गार्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था वहीं से ये एपिसोड शुरू होता है। और लास्ट एपिसोड में जो सेल्वी टाइम गेट के थ्रू भाग जाती है, वो सीधा टीवी हेडक्वार्टर पहुँचती है और वो वहाँ गार्ड पर अपना मैजिक ट्राई करती है, पर उसे पता चलता है कि उसका मैजिक टीवी में काम नहीं कर। तो उसकी गार्ड के साथ हैंड टू हैंड बैटल होती है जहां वो सभी गार्ड्स को मार देती है। तभी लोकी भी उसके पीछे पीछे टीवी पहुंच जाता है और वो नाइफ लेके सेल्वी के पीछे जाता है ताकि जरूरत पड़ने पे काम आए। उसके बाद लोकी सेल्वी में फाइट शुरू हो जाती है टाइम कीपर का पहले पहुंचने के लिए। तभी वहां जज आ जाती है और उन्हें बोलती है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, जिस पे सेल्वी लोकी की गर्दन पे चाकू लगा देती है और बोलती है कि कोई भी मेरे पास आया तो उसे मार दूंगी। तो जज उसे बोलती है कि मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी लोकी टाइम गेट ओपन करके वहां से सेल्वी को लेके निकल जाता है। वहां पहुंच के सेल्वी लोकी को मार के उससे टाइम पैड छीन लेती है और वापस जाने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि टाइम पैड की बैटरी खत्म हो गई है। तभी लोकी टाइम पैड सेल्वी से वापस ले लेता है। तो सेल्वी पूछती है, तुम्हें पता भी है इसे चार्ज कैसे करते हैं? बट लोकी कहता है, मुझे पता है लेडी लोकी। तो सेल्वी उसे बताती है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मुझे नाम नहीं पसंद, ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम सेल्वी है। तभी आसमान से कुछ गिरने लगता है तो सेल्वी और लोकी बाहर जाकर देखते हैं। तब सेल्वी उसे बताती है कि वो लोग लेमेंटिस 1 ईयर 2017 में पहुंच गए हैं, जहां चांद ग्रह से टकराने वाला है और ये टुकड़े चांद के हैं। तो वो दोनों एक शेल्टर में छुप जाते हैं। फिर सेल्वी लोकी पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर उसकी शक्तियां लोकी पे काम नहीं करती। उसके बाद दोनों जगह ढूंढने निकलते हैं जहां इतनी बिजली हो कि वो टाइम पैड को रिचार्ज कर सके, क्योंकि उनके पास सिर्फ 12 घंटे का टाइम है। तो वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां कोई भी नहीं होता, सब पहले ही जा चुके होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक घर में पहुंचते हैं जहां सेल्वी गेट तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर वहां एक औरत होती है जो एक स्पेशल गन से सेल्वी पे गोली चला देती है। उसके बाद लोकी उसके हस्बैंड का रूप लेके उस औरत के सामने आता है, बट वो उसे भी पहचान लेती है और उस पे भी गोली चला देती है। वो बोलती है कि मेरे पति ने मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं करी। वो उनसे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। सेल्वी उससे पूछती है कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। तो वो उसे बताती है कि सब लोग आर्क में शिफ्ट हो गए हैं, ये एक रॉकेट है जो सबको इस जगह से दूर ले जाएगा। लोकी उससे पूछता है कि वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। तो वो बताती है कि शहर के दूसरे एंड से ट्रेन जाती है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है और जब तक उन्हें टिकट मिलेगी तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। तभी लोकी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वहाँ के एक गार्ड का भेष बदल लेता है और ऐसे दिखाता है कि उस गार्ड ने सेल्वी को अरेस्ट किया है। तभी एक गार्ड उनसे टिकट मांगता है तो सेल्वी उसे वश में कर लेती है और वो उन दोनों को ट्रेन में जाने देता है। उसके बाद उनके बीच में बातें होती है तो सेल्वी लोकी से पूछती है कि तुम्हें ये जादू कैसे सीखा। तो लोकी बताता है मेरी माँ से। तो सेल्वी पूछती है कैसी थी वो। लोकी इमोशनल हो जाता है और बताता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी औरत थी, काफी साफ दिल की महिला थी। तो लोकी सेल्वी से उसकी माँ के बारे में पूछता है। तो जहाँ सेल्वी उससे बताती है कि उसे ठीक से याद नहीं, वो सिर्फ कुछ धुंधली मेमोरीज याद है। फिर लोकी उससे पूछता है उसकी माँ ने उससे बचपन में सब मैजिक ट्रिक सिखाए हैं। वो उसे बताती है मैंने सब खुद सीखा। उसके बाद दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और लोकी उससे उसके लव लाइफ के बारे में पूछता है और सेल्वी उसे बताती है कि वो एक आदमी से प्यार करती है और लोकी से उसके प्यार के बारे में पूछती है। तो लोकी बताता है कि उसने कभी सीरियस प्यार नहीं किया। उसके बाद दोनों आराम करते हैं। तभी सेल्वी की आंख खुलती है और वो देखती है कि लोकी फिर से वेरिएंट वाली ड्रेस में आ गया है और उससे चढ़ गई है। वो डांस कर रहा है तभी उसे एक आदमी सस्पिशियस सा लगता है और वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी सेल्वी जाती है और लोकी को बोलती है कि तुम्हें चढ़ गई है, कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है, लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, हम पे शक कर रहे हैं। तभी वो आदमी गार्ड को बुला लेता है। वो लोग लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और तो सेल्वी भी उसके पीछे ट्रेन से जंप कर देती है क्योंकि टाइम पैड लोकी के पास था। इस पर सेल्वी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लोकी की वजह से वो दोनों ट्रेन से बाहर हैं। तो वो लोकी को बोलती है टाइम पैड मुझे दो। तो लोकी देने के लिए मान जाता है। तो देखते हैं कि टाइम पैड टूट चुका है। तो दोनों में बहस होती है। उसके बाद दोनों शांति से बैठ के बात करते हैं कि अब क्या किया जाए।
तो लोकी बोलता है कि हम उस आर्क को हाईजैक करके यहाँ से निकल सकते हैं, जिस पर सेल्वी एग्री हो जाती है। उसके बाद लोकी उससे पूछता है कि तुम्हारी शक्तियाँ कैसे काम करती है, तो सेल्वी बताती है कि वो फिजिकली कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ही किसी के माइंड पे कंट्रोल कर सकती है। कई बार ये आसान होता है, कई बार बहुत मुश्किल, जैसे कि हंटर C20 के साथ। वो लोकी को बताती है कि हंटर C20 टीवीए में काम करने से पहले धरतीवासी थी, ये उससे उसकी मेमोरी ढूंढने पे पता चला। टीवीए में काम करने वाले सभी वेरिएंट हैं, उन्हें टाइम कीपर ने नहीं बनाया, ये बात उन्हें भी मालूम नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में इस सीरीज के विलन टीवीएस के टाइम कीपर्स हैं। वो बात करते करते दोनों आर्क के पास पहुंचते हैं, तो वहां भगदड़ मची हुई है और गार्ड उन पे हमला कर देते हैं, जहां दोनों उनसे लड़ते हैं। अभी एक मीटियोर रॉकेट से टकराता है और रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उसके बाद सेल्वी वहां पे चली जाती है और लोकी वहां अकेला खड़ा रह जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ये एपिसोड पहले दोनों एपिसोड के मुकाबले स्लो था, बट ये सेल्वी की स्टोरी आर्क के लिए बहुत ज़रूरी था, ये जानने के लिए कि सेल्वी कौन है, कहाँ से आई है। माना ही एपिसोड ज़्यादा कुछ नहीं बताता, बट एपिसोड काफ़ी अच्छा था। आज के लिए बस इतना ही, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी अगर आप मूवी स्टोरी एक्सप्लेन वीडियोज़ भी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Thanks for watching. Keep your hands up.